हेलो, वेलकम टू रिकी आदिज क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक्टिव पैसिव पर 3 वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आए बटन पर जाकर देख लीजिए। मैंने तीन वीडियो बना दिया है पैसिव के। आपको मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आपको पता है कि 12 टेंस में से सिर्फ 8 टेंस के पैसिव बनते हैं और 4 के नहीं बनते, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बी के फॉर्म होते हैं, इसलिए 4 के नहीं बनते। ओके, और उनमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो मैंने वीडियो बनाया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना दिया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट के जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन होते हैं, पहचानते कैसे हैं। देखिए, इसमें हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब इसमें दी जाएगी, जिसमें आपको पहचानना होगा कि ये एक्टिव और पैसिव बनाने के हमारे रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो कि हैज़ और हैव से स्टार्ट होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो आइए हम लोग अफर्मेटिव के रूल्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें अफर्मेटिव के रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट आपके पास नॉट का यूज़ नहीं हुआ है और ना ही इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन मार्क का यूज़ हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके रूल्स देखते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले रूल्स इसके क्या है, ऑब्जेक्ट लगेंगे, फिर हैज़ और हैव में से एक लगाए जाएंगे। ओके, और उसके बाद बीन का यूज़ होगा जस्ट थर्ड नंबर पे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि दी जाएगी, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। तो आइए इस रूल पे हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। पहला हम लोग लेते हैं, आई हैव रीड ए बुक, मैंने एक किताब पढ़ लिया है। तो दैट्स इट, यहाँ पे ए बुक को हम लेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ए बुक, अब हम ए बुक के साथ हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो ए बुक हैज़, और बीन लगाना है मस्ट क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ए बुक हैज़ बीन रीड बाई, एंड आई जब इधर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो मी हो जाएगा। ओके, दूसरा, द फार्मर्स हैव रीप्ड द क्रॉप्स, किसान ने फसल को क्या कर लिया है, काट लिया है। द क्रॉप्स यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा है। द क्रॉप्स लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर अब हैव लगाएंगे क्योंकि हैज़ और हैव में से एक लगाना है। द क्रॉप्स हैव बीन, उसका थर्ड फॉर्म रीप्ड, फिर बाई किसके द्वारा हो रहा है, फार्मर के द्वारा, बाई द फार्मर्स। वी हैव ऑलरेडी टेकन आवर मील्स, इसी तरह से आवर मील्स हैव बीन टेकन बाई अस। ओके, ऑलरेडी का यूज़ यहाँ पे नहीं करोगे तो भी सही हो जाएगा। अब हम लोग निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में नॉट यूज़ होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट आ जाए, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क, तो देयर वर्क ऑब्जेक्ट लेंगे, हैज़ लगाएंगे, देयर वर्क हैज़, फिर नॉट, हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाई दे का देम। दूसरा, वी हैव नॉट टॉट यू, तो यू हैव नॉट बीन टॉट बाई अस, इस तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस हमको हमें नॉट लगाना है, पर पड़ जाता है। और बाई के बाद जो हम लोग आई का मी कर देते हैं, वी का अस कर देते हैं, ये मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, आप लोग देखिएगा। फिर भी मैं लास्ट में आपको वीडियो में बता दूंगा अभी कि कौन कौन से जो है फॉर्मेशन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट होते हैं। आई इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा देखिए रूल्स के क्या है, रूल्स हैज़ और हैव पहले लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे यहाँ पे बस, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमको बनाने हैं। तो हैज़ हैव फिर बीन यहाँ पे आ जाएगा, ओके, सेपरेट होके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। आइए देखते हैं, बाकी सा फार्मूला वही रहेगा। इंट्रोगेटिव में हम एक देखते हैं, हैव दे फिनिश्ड कॉफ़ी, क्या उन्होंने फिनिश कर लिया है, कॉफ़ी को पी लिया है, तो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और हैव से भी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, हम लोग कॉफ़ी के अकॉर्डिंग हम लोग हैज़ हैव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग बहुत बच्चे ले लेते हैं, नो, हमको यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाना रहता है ना लास्ट में, तो यहाँ पे कॉफ़ी के अकॉर्डिंग हमें हैज़ लगाना है, तो हैज़ कॉफ़ी हो जाएगा, फिर बीन यहाँ पे जाएगा, क्योंकि रूल्स में बता रहा हैज़ हैव ऑब्जेक्ट फिर बीन। ओके, तो हैज़ कॉफ़ी बीन फिनिश्ड बाई दे का देम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा आप। दूसरा, इसी तरह से अगर आपको करना है, हैज़ सीता क्लीन्ड द हाउस, क्या सीता ने हाउस को साफ कर लिया है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव जो बनेगा, तो द हाउस के अकॉर्डिंग हमें हैज़ और हैव लेना है, सिंगुलर है द हाउस तो हैज़ लगाएंगे, तो पहले हैज़, क्योंकि रूल्स में हैज़ दिया हैज़, फिर ऑब्जेक्ट द हैज़ द हाउस, फिर बीन लगाना है, क्लीन्ड बाई सीता, नाम का नाम ही होता है। एक और देख लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बता दूंगा और वाई टाइप बता दूंगा। तब तक के लिए इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का,
हैज़ द कारपेंटर मेड द फर्नीचर, तो हो जाएगा हैज़ द फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर के अकॉर्डिंग हैज़ लेना है, तो हैज़ द फर्नीचर बीन मेड बाय द कारपेंटर। आई होप आपको पसंद आया वीडियो, मिलते हैं कुछ नए वीडियोज़ में, और इसकी मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा, इसमें से मैं आपको इंट्रोगेटिव, निगेटिव और वाई टाइप बताऊँगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाय बाय।